आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर की, जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो, 5 हो। तो हम किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं, ज़रा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया 25। तो 25 में यूनिट डिजिट कितनी है, 5। 5 का कितना होता है 25, और ये डिजिट कितनी दे रहे हैं, 2। तो 2 का एक ज़्यादा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 3। 3 टू का कितना हो गया, 6। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 35 का करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 3 का हम एक ज़्यादा से करेंगे तो 4 से, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 3 जो 12। इसी तरीके से हम इसका करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 7 का एक ज़्यादा से करेंगे तो कितना हो गया, 8, 7 8 से 56। इसी तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं, हमने कहा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, एंड 4 का एक ज़्यादा से करेंगे तो 4 5 जो 20। उसी तरीके से हम 85 का करते हैं, मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 से 72। इस तरीके से हम एक और कर सकते हैं 65 का, इनका लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6, 6 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 7, 6, 7 से 42। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट कितनी हो, 5। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।